नमस्कार, मैं शाहजलन चाक से बोल रहा हूँ। आइए जानते हैं इस महामारी से पूरी गली, पूरी रास्ता सब शांति का माहौल है। जनता कर्फ्यू का पालन हो रहा है। आइए जानते हैं जनता से। चार घाट नगर में आया हुए हैं तो हम जानना चाहेंगे यहाँ के नागरिकों से कि कोरोना के बारे में इनका क्या कहना है। तो सर आप बताइए कोरोना के बारे में कुछ बातें। कोरोना एक वायरस जनित महामारी है और आज पूरी दुनिया इस महामारी के चपेट में है और अपने देश में भी यह सेकेंड स्टेज में है। और कल जो प्रधानमंत्री जी की एक अपील थी कि कल पूरा दिन लॉकडाउन रहना है, इस वायरस का असर 10 से 12 घंटा रहता है और लॉकडाउन अगर कल से होना है तो आज से ही इसकी तैयारी शुरू करें। और सबसे बड़ा सहयोग एक आम आदमी की तरफ से, आम लोगों की तरफ से, हम सब आप सब की तरफ से इस संकट से निवारण के लिए सबसे बड़ा सहयोग ये है कि हम अपने घरों में रहें, बाहर के लोगों के संपर्क में ना आए, सामाजिक सरोकारों से दूर रहें। स्थिति ईश्वर चाहेगा तो नियंत्रण में होगी। बाकी अभी जो साधन संसाधन है हमारे पास, जो हमारे पास देश में उपलब्ध हॉस्पिटल और शासकीय हो चाहे प्राइवेट हो, अगर उन पर कुल बेड की संख्या देखें तो 20 लाख भी हम नहीं क्रॉस कर रहे हैं और जबकि हमारी आबादी 125 करोड़ से ऊपर है। तो ऐसी परिस्थिति में जनता कर्फ्यू का सब लोग सहयोग करें और जनता कर्फ्यू ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें इस महामारी से बचा सकते हैं। तो आइए हम दूसरे सज्जन से जानते हैं कि कोरोना के उपाय के लिए क्या जानना चाहते हैं। तो सर आप बताइए कि हमें कोरोना से बचने के लिए क्या करें। मैं दादा विक्रम सिंह जी की बातों का समर्थन करता हूँ, उसके लिए एक बार जोर बता दिया हूँ। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विनती समझ लीजिए, उसके हिसाब से जो उन्होंने एक दिन के लिए सारी दुकानें और सारे नगर को बंद करने की बात कही है, हमें उसका पालन करना चाहिए। और जिस तरह से ये कोरोना की बीमारी फैल रही है उससे सुरक्षित रहने के लिए अपनी पुरानी परंपराओं का पालन करते हुए हाथ न मिलाकर लोगों को अभिवादन करना चाहिए और साफ सफाई। आज हम चाक घाट में इस कोरोना के बारे में कुछ जानकारी। हमारे बीच कई लोग उपस्थित हैं और जो इस भारत में महामारी कोरोना वायरस है इसके विषय में हम आज जनता की राय लेंगे और देखते हैं जनता मैं ग्राम रक्षा समिति थाना चाकगढ़ में अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम हरि मोहन सोनी है। हमारे नगर में स्थित और सुविधा की जो है व्यवस्था की गई है, कल हमारे नगर चाकघाट बंद के आयोजना किया गया है। हमारे नगर में जो ये गंदगी फैलाई जा रही है, जो लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों जो पीड़ित हो रहे हैं, इस पीड़ित से बचाव के लिए नगर चाक घाट में ऐसी व्यवस्था की गई है जहाँ पे शांति भावना और व्यवस्था बनी रहे। ये हमारे जनता थे जो बताए और हम कुछ और जनता से अपना राय लेंगे कि कोरोना के विषय में वो क्या उनकी राय है। भाई हम तो यही कहेंगे अपनी सभी माताओं बहनों से कि कल जो मोदी जी ने कर्फ्यू का लगाया है उसको सब लोग मिलके अपने अपने घर के अंदर रहें, घर से बाहर ना निकलें और सुबह से शाम तक अपने अपने घर में रहेंगे तो इस वायरस का खात्मा भी होगा। तो मोदी जी का सब लोग अब आइए चलते हैं आगे और कुछ लोगों से राय लेते हैं। ये विष्णु से। ये हमारे बीच एक और शख्स है जो अपनी इसमें कुछ राय देंगे। जैसा कि कल 22 मार्च और सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक प्रधानमंत्री ने कर्फ्यू लगाया गया है, अथवा तो बहुत ही सही कर्फ्यू लगाया है। इससे क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ करके देश को तो बचा ही सकते हैं और अपने घर के भी माताओं बहनों को, अपने बड़े भाइयों को,
इससे बहुत ही बचा सकते हैं। जी तो ये रहा हमारे कुछ दर्शकों का, जिसमें कोरोना वायरस के विषय में कुछ जागरूकता फैलाई गई हमारे नगर चार घाट में कल, जो कि जनता कर्फ्यू का भी पालन किया जाएगा। और हम देश के सभी नागरिकों से ये कहना चाहेंगे कि सभी लोग स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें।